अलका जी आता हूं मैं, घनश्याम तिवारी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, वो भी हमारे पैनल में समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है। घनश्याम जी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त आपकी पार्टी देश में, और अब ये बताइए आप कि जो चर्चाएं चल रही हैं, और अभी अभी अभिषेक जी ने भी बताया कि देखिए इंडिया के जो गठबंधन के शिल्पकार थे वो तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन आप लोग, क्या आप लोगों ने अभी भी कोई उम्मीद रखी है? किससे उम्मीद है आपको? क्या अभी भी बैकडोर पर कोशिशें जारी है, या जो अलका जी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम विपक्ष में बैठेंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? नमस्कार रोहित जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, सबसे पहले तो एक लंबी सांस लेनी चाहिए। ये सांस जो है तानाशाही से मुक्ति की सांस है जो देश में हर कोई आज ले रहा है, क्योंकि तानाशाही के खुखार सपने को देखने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की, क्या वो सपना देश की जनता ने चकनाचूर कर दिया है। अयोध्या से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, पूरे देश में वो सपना चकनाचूर हुआ है। पहली बात, लगातार बड़ी ही उद्दंडता से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे साइकिल पंचर हो गई, आज हालत ये है कि अपने चकनाचूर सपने के साथ चंद्रबाबू नायडू जी का चुनाव सिंबल साइकिल है, उस साइकिल पे सवार होकर के मोदी जी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू जिनके पर्सनल इतिहास को लेकर के हर तरह की गालियां अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे चुके हैं, जिनके जेल जाने में भी इस सरकार का हाथ रहा है ऐसा लोग कहते हैं। और रही बात नीतीश कुमार जी की, मैंने 6 साल उनके साथ काम किया है, मैं उस समय भी उनके साथ था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 2013 में अलायंस तोड़ा था, और मेरा बड़ा सम्मान है। पिछले 10 साल से ये ऑफिशियल नॉलेज है सभी को कि भारतीय जनता पार्टी हाथ में खंजर लेकर के नीतीश कुमार जी को के पीठ में छुरा घोंपना चाह रही है, चाहे उस छुरे का नाम चिराग पासवान हो 2020 में, या उस छुरे का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हो जो कि मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। लगातार पूरे बिहार की डीएनए टेस्टिंग कराने वाले नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कराया था? उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी के डीएनए में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी के डीएनए में प्रॉब्लम कहा, जिस व्यक्ति ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके मिजोरम तक, एक ऐसा आप राज्य नहीं चुनेंगे, एक ऐसा दल नहीं बताएंगे जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया हो, उसके बाद उस हाथ को डसा ना हो, उस दल को समाप्त न किया हो, उसके चिन्ह को समाप्त न किया, उसके नेता को समाप्त किया, कोई आत्महत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी क्यों बनेगा? ठीक है, ये विश्वासघाती दल किसी के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए ये सरकार चलने वाली नहीं है। ठीक है घनश्याम जी, आप भी ये दावा कर रहे हैं। अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा, आपने अभिषेक झा साहब को भी सुना और आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना, इनका ये कहना है, और आज जो खबर आई निकलकर वो ये भी कि भाई बहुमत तो एनडीए को मिला लेकिन खुश हो रहा है विपक्ष, और वही बात अभिषेक झा साहब भी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं। अभिषेक झा साहब तो कहेंगे जो लोग फेल हुए हैं वो पास हुए हुए विद्यार्थी पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित जी, समझना होगा कि भाजपा अपना बहुमत थी तो तानाशाह थी, अब उसकी जो है डोर जो है उन दलों के पास है, और ये कठपुतली बने रहेंगे डोर, क्योंकि दो के हाथ में तीन के हाथ में है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि संख्या बल पर तानाशाही से कृषि कानून और ये वो चीजें जो थोपते रहे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहे, कम से कम हमने उस तानाशाही को कमजोर करने की जो हमारी लड़ाई थी उसको हमने जीत लिया है। तानाशाह कमजोर हो गया, सत्ता हाथ में आएगी, पर हमें ये है कि संविधान को अब खतरा नहीं, जिसके लिए 400 सीटें वो मांग रहे थे कि संविधान बदल देंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो खतरा था हमने वो लड़ाई लड़ी है, और स्वाभाविक है उनकी संख्या कम हुई है, उनका विश्वास कम हुआ है, हमारी संख्या दुगनी हुई है, जी, आपकी, हुआ है। आपकी इसी बात पर मैं प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन चाहूंगा। प्रेम जी बताइए, जो आप लोग सुबह से बात कर रहे हैं, तो अलका जी ने इस पर जवाब दे दिया, उनका कहना है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो लड़ाई हम जीते हैं भले बहुमत से दूर हो। ये गजब गजब की लड़ाई जीता गया, जो पार्टी संविधान पर शरीयत लाने का दुष्कर्म करती रही, बहुमत के बल पर श्रीमान राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर शाहबानों पर अन्याय करने के इरादे से संविधान पर शरीयत लाने का दुष्कर्म किया, और वो आज जो है उनकी पार्टी की ये दुर्गति है कि वो जो है पहली बार अपोजिशन, देखिए इनको समझाइए। अलका जी एक बार प्रेम जी को बोलने देते हैं। अलका जी फिर आप अपनी बात करें, मैं आऊंगा आपके पास, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अलका जी कहा है जो है धैर्य खो रही है, देखिए उस पार्टी को आज 10 वर्ष के बाद विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिल रहा है, इस पर इतना इतरा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
अभी भी 100 सीट का वो लक्ष्य नहीं टच कर पाए, 99 पे अटक गए, 99 पे अटक गए। और जो पूरी इंडी अलायंस जिसमें सुश्री ममता बनर्जी नहीं थी, उस फिगर को भी आप सब जोड़ रहे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिले जो जनादेश है उससे कम है उनकी संख्या। ठीक है प्रेम जी, आप आपको रोकूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।